brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में वैसे तो चर्चा के लिए कई नाम हैं, लेकिन दो ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस ने उत्तराखंड की दो बड़ी सीटों पर उतारा है। इनमें से एक सीट है हरिद्वार तो दूसरी सीट है नैनीताल। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। नैनीताल सीट से उम्मीदवार प्रकाश जोशी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। प्रकाश जोशी का मुकाबला बीजेपी के अजय भट्ट से होगा। हल्द्वानी के रहने वाले कांग्रेस के युवा नेता प्रकाश जोशी को राहुल गांधी के करीबी के साथ साथ उनकी टीम के सदस्य के तौर पर भी देखा जाता है। प्रकाश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कई पदों पर रह चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्हें AICC ने राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया था, तब से वो किसी पद पर नहीं है। प्रकाश जोशी दो बार नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। कालाढूंगी विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रकाश जोशी को दोनों ही बार बीजेपी के वंशीधर भगत के हाथों से मात खानी पड़ी थी। इसके साथ पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मतभेद के चलते प्रकाश जोशी लंबे समय तक चर्चा में रहे थे। बताया जाता है कि प्रकाश जोशी की केंद्रीय कांग्रेस कमेटी में अच्छी पकड़ है, इसलिए इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा हरिद्वार सीट से कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके लिए हरीश रावत की पैरवी काम आई है। हरिद्वार सीट पर वीरेंद्र रावत का मुकाबला पूर्व सीएम और बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टेहरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योत सिंह गुनसोला का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार माला राज लक्ष्मी शाह से होगा। पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी से होगा। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा का मुकाबला बीजेपी के अजय टमटा से होगा। नैनीताल उद्धम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश जोशी का मुकाबला बीजेपी के अजय भट्ट से होगा। और हरिद्वार सीट पर कांग्रेस के वीरेंद्र रावत का मुकाबला बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगा। उत्तराखंड में इस बार 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।